वो विजित नायर जी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये लाइव डेटा की लाइव ऑफिशियल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके पास इस तरह का डेटा आया हुआ है जिसमें आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस का डेटा है जिसमें ईयरली और ब्रेकअप और बाकी चीज़ दी गई है, बाकी और भी चीज़ें ऊपर है। बट इसमें एक चीज़ क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि इनको पूरा डेटा नहीं चाहिए, बेसिकली डेटा चाहिए कि यहाँ पे कंपनी का नेम हो, ये कंपनी का नाम आना चाहिए और यहाँ पे वो 7वां नंबर जो है वो इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम जो है वो डेटा चाहते हैं, बाकी डेटा इनको ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पर हम फिल्टर भी नहीं लगा सकते और बाकी चीज़ भी नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखिए, इसको करने का दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मैनुअल जाते हैं, दो दो चीज़ें हैं, अगर मैनुअल जाते हैं आप, अगर फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाते हैं मैनुअल जाते हैं तो इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं। अभी भी ये तरीका मेरे दिमाग में आया है। तो सबसे पहले मैं डेटा को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिल्टर अप्लाई कर दिया, यहां से फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो अब यहां पे एक चीज देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं, तो जो फालतू का डेटा है जैसे कि यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा इसको, लेकिन ये तो मैनुअल वर्क है, समझे सर? एक तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये आपका ग्रांड टोटल है, उसके बाद ये आपका ग्रुप सिंगल प्रीमियम है, ग्रुप ए है, ऐसा ढूंढना पड़ेगा सर। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से डिलीट मार, कंट्रोल, लेकिन डिलीट मारने से पहले ध्यान रखिएगा फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाइए, गो टू स्पेशल और यहाँ ब्लैंक को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट कीजिए। अब मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ तो ये आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए ये आपका आ रहा है सिंगल प्रीमियम करके आ रहा है ना। तो एक बार मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहीं पे टेक्स्ट में इक्वल टू में मैंने इसको डाल दिया, लेकिन आप एक हम देखा आपने गलती कर दिया, इसको जब भी करेंगे तो फिर डिलीट अगर करते हैं तो इसकी जो फॉर्मूला है फॉर्मूला इफेक्ट हो रहा है, तो आपको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका फॉर्मूला इफेक्ट ना हो। सर ये स्पेशल कहाँ से आता है, मैं भूल गया सर, क्या स्पेशल? जहां पे आप ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं ना। हाँ यहाँ पे जैसे कि हम ये देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फिल्टर यहाँ, तो मुझे जो है वन बाय वन डिलीट करना है, सबसे इंडिविजुअल को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं सबसे पहले तो यहाँ इसको हटा के ब्लैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो एक सिंगल तरीका भी है, मैंने ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें कंपनी नेम सेलेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ इसी को रखना है इंडिविजुअल नॉट सिंगल प्रीमियम को, तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे डज नॉट कंटेन सिंगल प्रीमियम वाला जो है ऑप्शन डाल देंगे, समझ गए? तो क्या होगा कि अब यहाँ इसमें जो था नंबर था हर एक कंपनी के आगे नंबर था, तो हमने ब्लैंक सेलेक्ट किया तो कंपनी सिलेक्टेड नहीं है। फिर दूसरे फिल्टर में, सेकेंडरी फिल्टर में हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई नॉन प्रीमियम सिंगल के अलावा बाकी सबको सिलेक्ट कर लें, तो डज नॉट कंटेन करके हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो अब मेरा जो है वो चीज सिलेक्ट नहीं हुआ। अब वही डेटा आप विजुअल दिख रहा है जो उसको डिलीट करना है, समझ गए? तो अब मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, मैनुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और मैंने डिलीट करने से पहले हमने कंट्रोल जी करके स्पेशल और हमने ले लिया विजुअल सेल्स ओनली ताकि पीछे का डेटा डिलीट ना हो, और फिर इसको कंट्रोल माइनस कर दीजिए, ये पूछेगा डिलीट एंटायर सीट रो, यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ से फिल्टर को क्लियर कीजिए, यहाँ फिल्टर को क्लियर कीजिए, डेटा आपके सामने है। यही डेटा चाहिए था आपको सर? नायर जी सम टोटल जो लिखा है ना, ये सम टोटल सब बिजनेस का लिखा है, अभी अपन को इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम का चाहिए।
और इसी का नाम नीचे आना चाहिए, जैसे आदित्य बिरला शुड कम, जैसे नॉन मतलब ओनली नॉन सिंगल डेटा का समेशन चाहिए और इसका ही चाहिए। अभी तो इस डेटा में दो चीज है, आपने टोटल बिजनेस दिखा दिया ऊपर, उसके नीचे नॉन सिंगल का दिखाया, मुझे सिर्फ नॉन सिंगल बिजनेस का चाहिए। हाँ, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फिर वापस जो है इसको ब्लैंक को अनचेक करना होगा और सिर्फ नंबर शो करना होगा। और क्या है आपका C5 है ना, इक्वल C6 कीजिए और फिर इसको कॉपी कीजिए और पूरे पे जाइए। पेस्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि आप कंट्रोल जी स्पेशल और विजुअल सीरीज जरूर कर लें और फिर इस पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे इसको फिल्टर रिमूव कीजिए। ठीक है, अच्छा, तभी ऊपर नीचे बराबर हो गया है, ये तो होगी मैनुअल पर। अच्छा, आप इसको फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हेडिंग है, इसको मैंने कॉपी किया, हेडिंग को कॉपी करता हूँ और इस पे यहाँ रख देता हूँ। यहां से इससे आगे सीरियल नंबर, हमने देखा कि मेरे डेटा में 22 जो है इसका नंबर है, 24 है, सॉरी 24 नंबर है। हाँ जी, अब यहाँ पे 24 में यहाँ रखूंगा, सॉरी यहाँ पे सीरियल नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 1 से लेके 20 एक ही छोड़ना है हमें। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट करके 24 तक हम ले आए, इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूला अभी आपको समझ भी नहीं आएगा इसलिए मैं अभी इसका यूज नहीं कर रहा। तो 24 तक हमें इसको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, एक एक ब्लैंक, एक एक ब्लैंक कैसे हुआ पता चला, नहीं सर एक बार बताइए ना, एक ब्लैंक ले लिया सर, जैसे आप 1 और 2 लिख के सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2, 3, 4 आएगा ना सर इस तरह से, लेकिन मैंने 1 लिखा ब्लैंक दे दिया, 2 यहाँ लिखा, अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ तीसरा जो आएगा देखिए इस तरह से होगा, लेकिन मैं क्या है कि नीचे ही ब्लैंक चाहिए तो 1 और 2 इस तरह सेलेक्ट कर लिया हमने, ये देखिए एक ब्लैंक ले लिया। अब जो 2 आएगा, 3 जो आएगा, 4 यहाँ पे देखिए 3, 4 इस तरह से एक एक रो ब्लैंक होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके लिखना है, राउंड नहीं करना है। फिर यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला मैच का। ठीक है, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां डेटा में आएंगे और इसको ले लेंगे कॉमा 0 आ गया रिकॉर्ड, 5 नंबर आ गया। अब इसको मैं इंडेक्स के अंदर डालूंगा, इंडेक्स फॉर्मूला में रो नंबर बताते हैं, कॉलम नंबर बताते हैं, तो आप करिए फिर से बताइए थोड़ा एक बार, क्या मैच फॉर्मूला हमें मैच किया, जैसे हमने बोला कि भाई A4 को मैच करना है हमारे इस डेटा से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, A1 को 2 को जो सीरियल नंबर है ना उसको सर्च करके उसका रो नंबर दे देगा, 5 है ना सर, ये 5 नंबर दे दिया आपको यहाँ। हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला है, वो क्या होता है कि उसमें अगर आपने डेटा दे दिया और बताया कि 5 नंबर रो और एक एंड 2 नंबर कॉलम, तो आपको वहां पे उसका डेटा आ जाता है, समझे। सबसे पहले तो इसका नाम छोटा कर देता हूँ, काफी दिक्कत हो रही है। हमने बोला कि डेटा में, हमने डेटा में पूरा रो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंडेक्स से डायरेक्ट भी तो आ सकता है नंबर कि नहीं आ नहीं, सकता नहीं, इंडेक्स आपका नंबर को लुकअप नहीं करता है ना सर, नहीं नंबर नहीं, नाम इसका नहीं, इंडेक्स कैसे आएगा आपको डायरेक्ट, वीलुकअप से ला सकते हैं डायरेक्ट, बट वीलुकअप यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैच यूज करना है, क्योंकि फिर नीचे वीलुकअप एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, उसकी नीचे वाली वैल्यू थोड़ी आएगी। ठीक है, यहां इंडेक्स लगाते हैं हम, इंडेक्स में आते हैं और हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया
और इस डेटा में रो नंबर ए दे दिया, एंड कॉलम नंबर के लिए मैनुअली टू भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे टू, लेकिन मैं मैनुअली टू ना लिखूंगा, बना हर किसी में मुझे टू थ्री फोर लिखना पड़ जाएगा, इसे यहाँ भी मैच लगा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ ईश्वर को, और डेटा में आता हूँ इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेम फॉर्मूला मुझे इसके नीचे लिखना है, सेम फॉर्मूला इसके नीचे लिखना है बस। इस सर ये फॉर्मूला एक बार फिर से समझाइए ना सर, कंफ्यूज हो गया मैं। आप इंडेक्स फॉर्मूला समझते क्या होता है? नहीं सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर इंडेक्स फॉर्मूला होता है जैसे कि आपके सामने कोई डेटा है, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला में समझिए, ये एक मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे कोई रखा हुआ है राइट, मुझे इसमें से दूसरा चाहिए, समझे, मुझे इसमें से दूसरा चाहिए या तीसरा चाहिए, तो इंडेक्स फॉर्मूले में आप जाएं और इंडेक्स फॉर्मूले में आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर मैंने यहाँ पे कॉमा टू कर दिया तो ये वन एंड टू काउंट करेगा, उसके रिजल्ट दे देगा आपको, ठीक है। अगर इसमें कॉलन भी है आपका, मान लीजिए कि इसके सामने कोई वैल्यू लिखा हुआ है, आपको सामने कोई वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे चाहिए कि तीसरे का दूसरा कॉलन, तो हम यहां इंडेक्स फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स सिलेक्ट कर लिया, कॉमा हमने बोला तीसरा और दूसरा, आ गया सर इंडेक्स, समझ में आया आपको कि नहीं सर? हेलो, यस सर। सेम चीज यहां भी है, तो मैच जो है वो क्या बता रहा है, वो ढूंढ के बता रहा है कि आपका वन नंबर का रो क्या है, और फिर इंडेक्स जो है उस रो का लेता है, जो मैच फॉर्मूला है वो वन नंबर का रो एंड ईश्वर जो ऊपर हेडिंग है ईश्वर उसका कॉलम नंबर दिखा रहा है। तो इंडेक्स को रो मिल गया, कॉलम मिल गया, आ गया। अब मैच सही है, ये मैच मैच एक बार, ये मैच एक बार फिर से बताइए ना सर, मैच नहीं समझ आया। देखिए मुझे मान लीजिए इसमें ढूंढना है कि आठवां नंबर है या नहीं है, इस लिस्ट में मुझे ढूंढना है कि आठवां नंबर है या नहीं है, तो मैंने यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाया और बोला कि आठ को इस रेंज में ढूंढो एग्जैक्ट, इसने ढूंढ के थ्री दिया, थ्री दिया इसका काउंट नंबर कि वन टू थ्री, अगर नहीं होता तो एन देता, समझे। तो यही जो है वन का काउंट, हमने ए वन से शुरुआत से शुरू किया हुआ है, तो ए वन नंबर सीरियल नंबर वन को यहां से वो काउंट करता है ऊपर से वन टू थ्री फोर फाइव, ए फाइव देता है, और टू को ऐसे ही क्या होगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व देगा, थर्ट इसको नाइनटीन देगा, और मैं इसके सामने वाली वैल्यू उठाता चला जाऊंगा उसके भी आपसे। और समझ में आया कि नहीं सर? हेलो, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन तो मतलब बेसिकली सर जहाँ पे वन होगा वो वन के अगेंस्ट वाली वैल्यू दे देगा, जी हाँ, और टू जहाँ पे होगा वो टू के अगेंस्ट वाली वैल्यू दे देगा, जी हाँ। तो यहाँ जैसे कि हमने इंडेक्स का फॉर्मूला एक और लगाया, तो अब मुझे क्या करना है कि वन के सामने वाली वैल्यू नहीं चाहिए, वन की सामने वाली की नीचे, मतलब कि तीसरे पे वन टू थ्री तीसरे नंबर की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया कि अपने इस फॉर्मूला में जो मैच का रिजल्ट था ना, पहले मैच का रिजल्ट था, उसमें हमने प्लस टू कर दिया, आ गया सर नॉन सिंगल प्रीमियम। अब इसी फॉर्मूले को क्या करना है, फ्रीज करके और आगे की तरफ ड्रैग कर देना, सिंपल। A1 A4 का
हमें ए ड्रैग फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करना है, और बी थ्री का हमें थ्री फ्रीज करना है, और हमें इसको फ्रीज करना है, ठीक है, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। लेकिन यहां हम नहीं कर सकते, इसको ड्रैग नहीं कर सकते, रीजन कि हमें इसको सम का वैल्यू चाहिए, तो सम फॉर्मूला हमने लगा दिया, रेंज एक है ज्यादा हो डाल दिया हमने, यहां पे आ गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, एक मिनट, आरएफ आ गया। ओ, मैं पहले वाले को फ्रीज नहीं किया था, माफ कीजिएगा। थ्री का थ्री, और इसको हमने फ्रीज कर लिया, सेलेक्ट किया नीचे की तरफ, आ गया। सर मान लीजिए हाँ, बोलिए सर क्या बोल रहे हैं। वापस डेटा पे जाइए, हाँ, हमें आदित्य बिरला सनलाइट चाहिए होता और उसके आगे सिर्फ इंडिविजुअल सिक्स और सेवन का सम चाहिए होता और कुछ नहीं। सिक्स और सेवन का सम, फिर उसके कुछ और फॉर्मूला सोचना होता सर, सम के लिए फिर वो सम का अलग फॉर्मूला लेना पड़ता, सम इफ से यूज होता फिर उसको। सम इफ कैसे होता सर, क्योंकि वो हर एक में है ना, सिंगल इंडिविजुअल सिंगल की। हाँ तो सम इफ होता ना सर, कर सकते हैं क्या सर आज, वैसे भी नौ तो बजी गए सर। तो उसका अलग सोचना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा फॉर्मूला, देखते हैं फॉर्मूला थोड़ी दिमाग में आता है सर, रिसर्च करना पड़ता है ना। ठीक है सर, और तरीका बेस्ट होना चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है, लेकिन बेस्ट तरीका होना चाहिए ताकि आप समझ सके। इसे दो तीन चार बार मैं लगाता हूँ, देन मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं ये तरीका ठीक है। ठीक है सर, मैंने आपको बताया पहला तरीका, दूसरा तरीका जो बताया फॉर्मूला का, अब मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि नायर जिस फॉर्मूला को यूज कर पाए, लेकिन मैंने ये फिल्टर वाला तरीका बताया तो इसको आप यूज कर लेंगे नायर जी। फिल्टर वाला इजी था, फॉर्मूला वाला प्रैक्टिस करने से आएगा, मतलब पांच तो अगर मैं सिर्फ इसी तरीके को बताता तो दिक्कत हो जाती ना सर, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं काम करना नहीं, मुझे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, राइट सर। तो एक्सप्लेन करने का एक सही तरीका होना चाहिए ताकि आप जल आप जो है सीख सके इजी, ठीक है, राइट सर, राइट, ठीक। तो इस पे कीजिए आप लोग काम, और हम जो है कल से जो है पिवट टेबल करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिवट टेबल की बाकी बची वीडियोज को एक बार देखें।